ग्वाली चंबल अंचल में पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण सर्दी और शीतलहर के चलते 19 जनवरी से स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा समस्त शासकीय और अशासकीय विद्यालयों के समय में बदलाव किया गया है। आपको बताते हैं, इससे पूर्व ग्वालियर कलेक्टर चकोमा सिंह ने भी जिले में कड़ाके की ठंड होने के कारण सभी स्कूलों का समय 10 बजे से किया था, लेकिन पिछले 3-4 दिन से पारे में लगातार गिरावट को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी स्कूली छात्रों को 11 बजे स्कूल आने के निर्देश दिए हैं। वहीं जिन कक्षाओं की परीक्षाएं संचालन नियमित समय सारणी के मुताबिक करने के निर्देश जारी किए गए हैं। सहायक संचालक लोक शिक्षा विभाग हरिओम चतुर्वेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी संबंधित जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर सूचित कर दिया गया है, वे अपने क्षेत्रों में इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करें। और स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया सर्दी को देखते हुए क्या आदेश? समस्त जिला कलेक्टरों को शासन ने निर्देशित किया है और हम लोगों को भी निर्देश दिए हैं कि इसका पालन कराएं। सभी शासकीय और शासकीय स्कूलों का जो समय है वो 11 बजे से कर दिया गया है और सभी शासकीय और शासकीय स्कूल इसके दायरे में आएंगे। हमने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है कि इस आदेश का पालन कराएं। इससे पूर्व भी स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया था, दोबारा से चूंकि इस समय सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है ग्वालियर चंबल संभाग में, इसलिए इसमें समसाला समय प्रातः 11 बजे से किया गया। कब तक यह आदेश जारी रहेगा? 31 तारीख तक का अभी निर्देश दिए गए हैं, 31-1 तक जो है ये समय रहेगा, 11 बजे से संचालन होगा शालाओं का।